तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् धुवानी तिर्मतिर् मम। पर हे भगवान, बड़ी सुंदर स्तुति किया है वो। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवताश्मि भूयः। मनास्मरे तासुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोति कायः। वृत्तासुर कहता, भगवान अंतिम समय में उसने ये स्तुति की, भगवान मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। दासानुदासो, जो आपकी सेवा करते हैं, जो आपकी कथा सुनाते हैं, जो आप में मन लगाते हैं, भगवान मैं ऐसे आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। अब ऐसा क्यों कहा वृत्तासुर ने? ध्यान करना, कल भरत चरित्र का भी बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए, पर राजा रहुगन को जड़ भरत जी कहते हैं, राजन रहुगन इतत तपसा नयाति। देखो यहां जो वृत्तासुर कह रहा है कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवताश्मि भूया, भगवान मैं आपका दास नहीं बनना चाहता, आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। इसका कारण क्या है कि आप ठाकुर जी का भोग लगाते हो तो ठाकुर जी को जब आपकी मर्जी, जब आपको भूख लगती है तब आप ठाकुर जी का भोग लगाते हो। आज हमको ऑफिस 9 बजे जाना है तो हम 9 बजे भोग लगा देंगे, कल हम संडे पड़ गया 12 बजे हमको अब घर पे ही रहना है तो हम 12:30 ठाकुर का भोग लगाएंगे। आज हम घर पे रुक गए हैं तो अब 1 बजे स्नान करेंगे तब ठाकुर का स्नान करवाएंगे। तो ठाकुर तो आपको कुछ बोलते नहीं है, पर अब हमको तो 6 बजे स्नान हम कर लेते हैं, 7 बजे भगवान की पूजा होती है तो हमें तो 7:15 बजे आप चाय ला के देना ही पड़ेगा। तो इसलिए दासान। अच्छा, दूसरी बात, भगवान को प्रणाम करने से आप, अब भगवान जानते हैं, आप जानते हो कि कैसे प्रणाम कर रहे हैं। देखो, पर महापुरुषों को प्रणाम करने का मतलब है कि इतने लोगों के बीच में आप यहां अपने अभिमान का चकनाचूर कर रहे हो। कई बार ऐसे लगता है कि अब मेरे साथ ये परिस्थिति गुजरती है, जो हमारे समकक्ष के हैं ना, तो वो जब अकेले में मिलेंगे तब तो चरण छूते हैं, पर अब इतने लोगों के बीच में अभिमान का क्या करें। यहां देखिए, सुंदर कांड में बजरंग बली का दर्शन करिए, जब आकाश में उड़े हैं तो सबको पहले प्रणाम किया, सब छोटे बंदर हैं। भैया, बड़ों को प्रणाम करने में तो बहुत ज्यादा मन का अभिमान चकनाचूर नहीं होता, पर जो अपने से छोटों को भी प्रणाम कर ले वहां अभिमान। तो इसने 4 श्लोकों में न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। कहता न मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए न पृथ्वी का राज्य चाहिए, मुझे तो कैसे चाहिए, जैसे नई ब्याई हुई गाय चरवाहे के बस में होकर के जंगल जाती है और शाम के समय जब वो जंगल से लौटती है तो भागती हुई आती, कभी देखना देसी गाय का दर्शन करना। और उसका बच्चा भी उस समय वाह वाह माँ की आवाज याद करता है कि अब मेरे माँ के आने का समय हुआ। जैसे छोटे छोटे पक्षी घोंसले में उनकी माँ उनको छोड़कर दाना चुगने के लिए जाती है, पर जब समय हो जाता है तो वो पक्षी, छोटे बच्चे अपनी माँ की याद करते हैं, भगवान अंतिम समय में मैं आपकी ऐसी ही याद करूं। आगे और बात कहा, ओह
प्रियं प्रियेरा विशुतत विशन्या। जैसे अभी अभी किसी बेटी की शादी हुई हो और किसी कारण से उसके पति को पहले तो इतना वो फोन और के साधन नहीं थे, आज तो वीडियो कॉल कर लो और कर लो, तो माताएं जानती हैं कि अगर पति परदेश चले गए हैं तो डाकिया अगर उस रास्ते से निकलता था तो लगता है आज उन्हीं की चिट्ठी आने वाली, आज वो चिट्ठी आई होगी, वो बाहर निकल के देखती है और डाकिया से पूछती है भैया कुछ चिट्ठी हमारी भी है क्या। तो जैसे वो जिसका पति परदेश चला गया हो वो नवविवाहिता स्त्री, वो नवविवाहिता कन्या अपने पति का याद करती है, उसी प्रकार से भगवान मैं आपका याद करूं। ऐसा चार श्लोकों में यहां पुष्टि मार्ग इसी से चला है। 18वें अध्याय गीता का मैं पाठ करूंगा तो गोयनका जी ने ये चार श्लोकों से विपश्यना बनाया है। हम पढ़ते हैं और जिस महापुरुष ने इसको साधन में कर लिया वही एक रास्ता बन गया, बाकी ये सब शास्त्रों के हैं, कोई अलग से बनाया हुआ मार्ग नहीं है। तो भगवत कृपा हुई, वृत्तासुर का मोक्ष हुआ। यहां ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी अनेकों रानियां थीं, कोई पुत्र नहीं था। तब अंगिरा और नारद ऋषि आए, एक फल दिया, ये बोले भैया ये पुत्र तो होगा पर ये दुख और सुख दोनों देने वाला होगा। बोले जितने दिन रहेगा उतने दिन तो सुख देगा, कुछ समय पश्चात वो पुत्र चला गया, चित्रकेत को वैराग्य हो गया और एक दिन ये हिमालय में गया बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और उस समय बाबा विश्वनाथ माता पार्वती के गले में हाथ रखे थे और इस दृश्य का दर्शन चित्रकेत ने किया। बोले ये तो जगत पिता हो के ऐसा अपवित्र व्यवहार, माता पार्वती ने श्राप दिया, इस कारण से ये वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ, इसका उद्धार कर दिया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान असुरों को भी वही गति देते हैं? थोड़ी सी स्लो करें, थोड़ी सी कम कर दें इसको। असुरों को भी वही गति देते हैं और जो भगवान का भजन नहीं करते उनको भी वही गति देते हैं? बोले ये कैसे? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन तुम्हारे पितामह धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था। ये उस समय की बात है जब राजसू यज्ञ की तैयारियां हो चुकी थी। अब सर्वप्रथम पूजा किसकी हो ये मंत्रणा चल रही थी, तो उस सभा में किसी ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र की पूजा हो, किसी ने कहा सबसे वयोवृद्ध पितामह भीष्म है इनकी पूजा हो, किसी ने कहा गुरु द्रोणाचार्य की पूजा हो, किसी ने कहा कुलगुरु कृपाचार्य की पूजा हो। उसमें जरा संध का पुत्र सहदेव बैठा हुआ था, उसने कहा यहां सबसे बड़े पूजनीय वंदनीय सब बैठे हुए हैं पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस सभा में और कोई पूजनीय नहीं हो सकते। सबने तालियां बजाई पर यहां शिशुपाल खड़ा हो गया और शिशुपाल खड़ा हुआ और भगवान को गाली देने लगा। बोले अरे एक बच्चे की बात पर इतना विश्वास? भगवान को क्या 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 कहते कहते अब अर्जुन उठे किसे रोके, भीम उठे रोके, भगवान ने कहा चुपचाप बैठ जाओ। भगवान के आदेश का पालन पांडवों ने किया। जब 100 गाली इसकी पूरी हुई, 101 का नंबर आया तो भगवान का चक्र इतने जोर से आया कि भगवान की ये उंगली ऐसे कट गई और शिशुपाल का मस्तक कट गया। शिशुपाल के हृदय से ज्योति निकली और भगवान में समा गई। यहां जब भगवान की उंगली कटी तो कोई कहते हैं अमुक डॉक्टर को बुलाओ, कोई अमुक वैद्य को बुलाओ, कोई ये करो। वहीं पे महारानी द्रौपदी बैठी हुई थी,
उन्होंने न किसी डॉक्टर को बुलाया न किसी वैद्य को, ये साड़ी के पल्लों को ऐसे फाड़ा और भगवान के उंगली में लपेट दिया। भगवान ने कहा, महारानी आपने ये क्या किया, मुझे इसका अनंत गुना करके वापस लौटाना पड़ेगा। और आपने सुना कि जब कौरवों की सभा में महारानी द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वही अनंत अवतार भगवान चीर रूप धारण करके आए। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि नारद जी, ये शिशुपाल ने भगवान से जन्म भर द्वेष किया, पर आज ये भगवान की हृदय में इसकी ज्योति निकली, ये समा गई, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब नारद जी ने ये कथा सुनाई कि हे धर्मराज, आप विचार मत करो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है शिशुपाल, ये भगवान के प्रमुख द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय रु विजय जान सब को, विप्र श्राप ते दोनों भाई अतामस अशुभ दे तिन पाई, तमोक्ते न भये हते भगवाना अतीन जन्मो दुज बचन प्रमाणा। एक बार की बात है, भगवान वैकुंठ नारायण के, वैकुंठ के सात दरवाजे, सनत कुमारों की कथा, जिनका मंत्र हरि शरणम है, जिनको आप महात्म में सुना है, ये चारों कुमारों की इच्छा हुई कि आज हम ठाकुर का दर्शन करें, और दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ गए, छह दरवाजे पार कर गए, पर सातवां दरवाजा जो प्रमुख दरवाजा है, यहां चौकीदार जय और विजय हैं। अब ये सनत कुमार जी तो 5 वर्ष के नन्हे कुमार हैं, जय और विजय मोटे ताजे ये मोटा गदा लिए, और जैसे ये घुसने लगे तो एक ने अपनी गदा यूं की और एक ने अपनी गदा यूं लगा दी। अब मोटी गदा इतनी बड़ी, अब ये आगे बढ़ नहीं पाए, 3 बार कहा रुको रुको रुको। कुमारों को भी गुस्सा आ गया, बोले अरे मूर्खो, तुम्हें पता नहीं कि वो जगत पिता हैं और हम उनके शरणागत हैं, उनके पुत्र हैं, तुमने 3 बार हमें रुको रुको कहा है, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बन जाओ। बैकुंठ में झगड़ा शुरू हुआ, भगवान बाहर आ गए, कुमारों को प्रणाम किया, कहते कुमारों ये इनकी गलती नहीं है, ये गलती तो मेरी है। अब देखिए, अगर मुनीम गलती करता है तो वो उसका फल मुनीम को नहीं भोगना पड़ता, सेठ जी को भोगना पड़ता। लिखा पढ़ी में गलती, वो फोन ऑपरेटर अगर फोन से कोई गलत बात व्यापारी से करेगा तो भैया ये कैसे, किसको आपने रख रखा, दुई बात सेठ जी को सुनना पड़ेगा। भगवान कहते कुमारों ये इनकी गलती नहीं, ये गलती तो मेरी है। एक दिन तो इन्होंने लक्ष्मी को ही रोक दिया था, इनकी ऐसी बुद्धि खराब। अब कोई सेठानी जी को वॉचमैन गेट पे रोकते, नहीं नहीं बाबू आराम कर रहे हैं, उनका आराम हो जाए तब आप जाना। तो ऐसे द्वारपाल की छुट्टी करोगे कि उसको फिर से रखोगे। भगवान ने अपना नाम नहीं लगाया, भगवान विचार करते हैं कि अगर इनकी छुट्टी करूंगा तो गांव में बदनामी होगी। हमारे जेबी नगर में 500
एकत्रित होते हैं, एक सेवक लोग एक जगह 500। अब किस सेठानी, कौन सी सेठानी झगड़ालू है, किसके घर में खटपिट होती है, सारी कथा उनको मालूम। भैया उनके हम काम करने नहीं जाएंगे, वो सेठानी दिन भर खटपिट करती है, नाम खराब होता है। अब वो फिर जहां जाएंगे बोलेंगे उसके घर ये होता, इसके घर ये होता। भगवान ने छुट्टी नहीं किया, आज सनत कुमारों को निमित्त बनाया। पर हे कुमारों, जो मेरे दरवाजे पर चौकीदार होता है ना, उसके दरवाजे पर फिर मैं जाता हूं। रावण भगवान के अयोध्या नहीं आया, भगवान श्री राम को अयोध्या जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के यहां के चौकीदार थे। जब आप भगवान की चौकीदारी करोगे तो अंतिम समय में आप कहते हो ठाकुर आओ, आपने उनकी चौकीदारी की क्या? जब आप उनके चौकीदारी करोगे और आपके हाथ पैर चलना फिरना बंद हो जाएगा तो फिर वो आपकी चौकीदारी करने आएगा।